यूपी के कौशाम्बी में हफ्ते भर पहले कड़ाधाम कोतवाली अंतर्गत रुकनपुर गांव में युवक की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की घटना का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मृतक युवक की ससुराल के दो युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया। दरअसल मृतक की साली के साथ उसकी ससुराल का एक युवक छेड़खानी करता था। छेड़खानी की जानकारी जब मृतक को हुई तो उसने विरोध किया। इतना ही नहीं, मृतक ने आरोपी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की, धमकी भी दी। जेल जाने के डर से बचने के लिए आरोपी युवक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर मृतक गुड्डू की धारदार हथियार से हत्या कर डाली। मृतक गुड्डू और दोनों आरोपी युवक बारात में शामिल होने के लिए गए हुए, वहीं पर कहा सुनी हुई और इसके बाद दोनों ने मृतक को खेतों की तरफ ले जाकर उसकी हत्या को अंजाम दिया। दिनांक 22/5 को एक डेड बॉडी थाना कड़ाधाम क्षेत्र में मिली थी, जिसका आज खुलासा किया गया है। इस मृतक का जो मामला था, एक लड़के से कुछ कहा सुनी हुई थी कि साली के ऊपर छिटाकटी को लेकर, और बारात में दोनों आए थे, वहाँ भी इनने कहा सुनी हुई और उसको दो लड़कों ने मिलकर जिस समय मार दिया है, जिसका आज खुलासा किया गया।